गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द व्लॉग। अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे वापस, 3 घंटे के नीचे जा रहे हैं। इधर ना सब पार लिंक है मेरे को लगता है, खाली जाने का रास्ता नहीं है, ऐसे पार कनेक्टेड है एक दूसरे से। जो हम लोग कारगिल हिल गए थे ना, कारगिल हिल से ये पार 3 घंटे का पार कनेक्टेड है, फिर भी आने जाने का कोई रास्ता है नहीं। फ्यूचर में निकल जाएगा कहीं ना कहीं से, क्योंकि अगर उधर से रास्ता खुल गया तो इधर तक गाड़ी आ जाएगा, तो ऑप्शन जरूर खुलेगा, क्योंकि लोग इतना ऊपर तो उठ नहीं पाते हैं जो जो ज़्यादा हेल्दी है, मतलब समझ गए ना आप लोग, ज़्यादा हेल्दी है वो लोग उठ नहीं पाएंगे इतना ऊपर। सो उधर तो रास्ता खुल जाना चाहिए। अब तो बाइक बहुत ही सामने तक आता है, खाली कनेक्ट नहीं होता जिस जगह के साथ, फ्यूचर में शायद कनेक्ट हो जाएगा। तो नीचे जाएंगे, अभी जाके हम लोग पहुंचेंगे लोकनाथ मंदिर पे, लोकनाथ मंदिर जाके वापस फिर घर जाए चले जाएंगे। इधर ही है नीचे लोकनाथ मंदिर, थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा लेफ्ट साइड से जाके देखते हैं। और ये व्यू देखिए, अभी बजा है 4:30 और व्यू देखिए कितना क्लीन व्यू है। उधर से एक साइड का सिटी दिखता है गुवाहाटी, ऐसा क्लीन मस्त व्यू के लिए आपको सनसेट को आना है, नहीं तो मॉर्निंग सनराइज के टाइम पे आना है। सनराइज के टाइम पे थोड़ा फॉगी रहता है विंटर सीजन में, और सनसेट के टाइम पे आपको पूरा क्लीन मतलब सनसेट वाला फील आएगा। सो आई विल प्रेफर सनसेट बिकॉज सुबह तो उठता नहीं हूँ मैं। और आपको ऊपर जो छत दिख रहा है ना, ये लगाया गया बारिश के लिए। देखिए सीरी आधा आधा सीरी में, मतलब 100 सीरियों के बाद एक ब्रेक के लिए रखा गया, अगर बारिश वरिश आ जाए तो सब इसके अंदर रुक सकते हैं। बारिश में कोई आता भी नहीं है इधर शायद, क्योंकि बहुत ऊपर है, और अगर ऊपर आने के लिए भी बाहर से आना होता है, अगर आपको 2 व्हीलर से आना है तो और एक साइड से आना होता है, आना है, पर वो रास्ता भी बहुत स्टीव है। सो आई डोंट थिंक कि बारिश के सीजन में कोई ऊपर आता है, और जंगल भी बढ़ जाएगा तो लगता नहीं है कुछ दिखेगा ऊपर से। व्यू दिखेगा जो हम लोग ऊपर गए थे उधर से दिखेगा, और इधर से शायद कुछ दिखेगा नहीं व्यू। सो देखिए सब जगह कचरा करके रखा है, इतना ऊपर भी कचरा, भाई इन लोगों का क्या है। स्वच्छ भारत नीचे करने से नहीं होगा भाई, ऊपर इतना ऊपर आके भी कचरा देखो, सीजू के सामने चिप्स का पैकेट गिरा हुआ है, कुछ भी मतलब कुछ भी। सो ऑलमोस्ट हम लोग नीचे पहुंच गए, आपको थोड़ा बहुत गेट दिख रहा होगा इधर से। भाई उतरना इजी है, बहुत ही इजी है, पर चढ़ना वो भी ब्लॉग करते करते बात करते करते ऊपर चढ़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। देखिए इधर पानी का टंकी भी है ऊपर भेजने के लिए, पानी सब कुछ अच्छा है, पानी वानी सब कुछ है, खाली कचरा मत करना। अपना स्कूटर इधर पार्क है, ये स्कूटर। 4:30 हम मंदिर के अपोजिट साइड में आ गए, इस तरफ हम उठे थे, इस तरफ और एक रास्ता है जो और एक गली से उठता है, तो उस तरफ हम लोग आ गए, जाएंगे नहीं नीचे क्योंकि स्कूटर उस तरफ रखा हुआ है। अब इस तरफ से स्टेडियम का व्यू आता है, जो बरसापाड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दिखाई देता है इस तरफ, उसका व्यू लीजिए। और भैया उधर नीचे गए, देखिए एंजॉय द व्यूज मोंटाजेस। तो अभी लेफ्ट साइड से जाके हम लोग नीचे उतर रहे हैं, इधर से लोकनाथ मंदिर जाने का रास्ता है, जाके देखते हैं। जब तक अगर अंधेरा नहीं होता है तो पूरा जाएंगे, नहीं तो घूम के आएंगे आधा, जाके देखते क्या होता है। इधर घर है देखिए, इतने ऊपर भी मस्त घर हो रहा है, इधर जहाँ पे लोग है उधर ही कचरा है भाई, हर जगह कचरा, और ऊपर कोई देखने भी नहीं आता साफ कर किया कि नहीं, होने तो जो होना है सो वही सोचते। देखिए ये सीढ़ियाँ, हम लोग बोलते हैं ना स्कूटर में ऑफ रोडिंग, ये हम लोग का चलने में ऑफ रोडिंग हो रहा है आज। ये सीढ़ियाँ स्लिप होती है, मैं चप्पल पहन के आया, स्लीपर पहन के आया, एक बार स्लिप होना तो डायरेक्ट नीचे जाऊंगा मैं। भैया शू पहन के आया, दौड़ के नीचे लगे, देखिए रास्ता एक बार, एक बार स्लिप हुआ, मिट्टी का रास्ता है, मतलब सीढ़ियाँ है, पूरा स्लीपर ही है जो मतलब धूल गिरा हुआ है ना तो स्लिप हो गई ये सब। ये बच्चा कैमरा देख के रुक गया, भाई भाई दे मैंने इसको, चलो चलते हैं। ये देखिए और एक शिवलिंग है नीचे,
इधर सब जो लेते हैं ना। सॉरी गाइस, आगे का जो वीडियो है वो करप्ट हो गया, वो मेरे को मिल नहीं रहा है, मैंने बहुत ट्राई किया, सॉरी। तो लोकतंत्र मंदिर तक हम जान दिखा नहीं पाएंगे।